नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर सचिन तोमर और आज जिस बारे में बात करूंगा, जिस डिजीज के बारे में बात करूंगा, उसको बोलते हैं गोल स्टोन या पित्त की पथरी, जैसे देसी भाषा में कहते हैं, या पित्ताशय की पथरी। तो ये देसी भाषा में बता रहा हूँ। यदि हम इसको मेडिकल टर्म में यूज करें, इसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं कोलीलिथिसिस। आपने अल्ट्रासाउंड में देखा होगा लिखा रहता है कोलीलिथिसिस, इसका मतलब गोल ब्लेडर में स्टोन। अब गोल ब्लेडर में स्टोन क्या है, पहले तो मैं उसकी परिभाषा बता दूं कि बनती कैसे है। जब लीवर में, हमारे जो लीवर है इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनता है, या बोले हम लीथोजेनिक बाइल होता है वो, जब अधिक मात्रा में बनता है तो कहाँ जाएगा, गोल ब्लेडर में जाएगा। और गोल ब्लेडर में वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल है, उसके साथ मिलकर वो क्या करेगा, जो बिलरुबिन कैल्शियम बनाएगा और प्रोटीन मैट्रिक्स, ये आपस में मिलकर एक ठोस पदार्थ बना देते हैं और छोटे छोटे स्टोन के रूप में जाकर बाद में बनने लग जाते हैं। और जैसे ही बाइल ज़्यादा बनेगा या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ेगा, तो जो छोटा कण है वो उसके चारों तरफ धीरे धीरे स्टोन बनने लग जाते हैं। इसी को हम कहते हैं गोल स्टोन। ये अलग अलग आकार में होते हैं, ये तो पेशेंट पे ही जब अल्ट्रासाउंड देखते हैं तभी पता चलता है कितने बड़े हैं, ऐसे नहीं पता चल सकता। अब बात करेंगे हम कारणों की, इसके क्या कारण है, इसकी क्या लक्षण है और इसकी क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है और इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं यदि आप इसको ट्रीटमेंट सही समय पर नहीं लेते हैं। अगर बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो मैं आपको ये थेरापेटिक बताऊंगा, एक पैटेंट बताता हूं मैं आपको हर वीडियो में, तो इसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है इसके रिजल्ट नहीं आ रहे। मैंने देखा जिसको दिया है तो उसके रिजल्ट आ रहे हैं। तो इसमें मैं चाहता हूं जब आप ये मेडिसिन यूज करें उससे पहले एक बार आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएं और फिर ये जो मैं आपको दवाई बताऊंगा एक महीने तक आप यूज करना, एक महीने के बाद फिर आप अल्ट्रासाउंड कराना, तो आप देखना कहीं ना कहीं चेंज आएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप ये दोनों रिपोर्ट आप जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है इस पर भेजें, स्टार्ट करने से पहले भी और स्टार्ट करने के बाद भी। रिजल्ट तो आएगा, यदि बाई चांस रिजल्ट नहीं आते हैं तो उसके बारे में भी आप मुझे बताएं कहाँ कमी है, तो फिर हम देखते हैं कहाँ क्या हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप इस जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का बटन है वो जरूर दबाएं, जिससे जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये आपके लिए बना रहा हूँ, आपको हेल्थी रखने के लिए बना रहा हूँ, जो मैं आपको जो ये पेटेंट बताता हूँ। तो बात करते हैं कारणों की। इसमें जो सबसे पहला कारण आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और वहाँ पर बाइल जो ज़्यादा बनेगा और वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेकंड है फैटी युक्त खाना। जितना भी फैटी युक्त खाना है, वसा युक्त खाना है, जितना भी जंक फूड है, इसकी वजह से भी गोल ब्लैडर में स्टोन बनती है, क्योंकि वहीं पर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फैट जमता रहेगा धीरे धीरे तो एक स्टोन के रूप में धारण कर लेगा। थर्ड है हमारी लाइफ, सेडेंटरी लाइफ। हम जितना भी सिटिंग पे बैठे रहते हैं इसका बहुत बड़ा रोल है। कॉन्ट्रास्ट, जो उतना भी आप सेडेंटरी लाइफ रहोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं पथरी बनने के। फोर्थ है जो महिला ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, गर्भ निरोधक गोली खाती है लंबे समय तक, तो उसको देखा गया कि 90% केस में उसको गोल ब्लैडर स्टोन बनती है, क्योंकि हम जितने भी केस चेकिंग करते हैं तो देखते हैं कि उसने कहीं ना कहीं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाई थी लंबे समय तक। और इसलिए यही कारण है कि महिलाओं में ज़्यादा होती है। पुरुषों से यदि हम कंपैरिजन करें कि मेल में ज़्यादा है फीमेल में ज़्यादा, तो फीमेल में ज़्यादा आ रही है, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो ये हैं। और यदि आप लंबे समय तक अल्कोहल का या आप स्मोकिंग का या अपनी अनहेल्दी डाइट रखते हो कहीं ना कहीं, ये मैं आपको पिछले बता चुका हूँ, तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है। यदि आपको कोई डायबिटीज़ है या पैनक्रियाज में कोई पैनक्रियाटाइटिस है, तो उसमें भी आपको कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, या आपको सिरोसिस लीवर है, लीवर में सिरोसिस में कोई परेशानी है, तो उसमें भी ये बाद में जाकर कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल और बिलरुबिन बढ़ जाता है। अब बात करेंगे लक्षणों की, इसमें क्या क्या लक्षण है, आप कैसे पता चलाओगे आपको गोल ब्लेडर है या नहीं है। इसमें सबसे पहले जो लक्षण निकल कर आता है, जहाँ आपकी पसली, देखो जो आप आपकी पसली है ये ख़त्म होगी, वहाँ पर ही लास्ट पसली और पेट के ऊपर एक पॉइंट है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम बोलते हैं इसको, वहाँ पर सुई जैसा दर्द होगा, जैसे सुई चुभा दी हो किसी ने, ऐसा दर्द होगा। और जो दर्द है वो पीछे की तरफ निकलेगा, कमर की तरफ, ये आप याद रखना। यदि आपको इस दर्द है तो आपको कहीं ना कहीं गोल ब्लेडर में स्टोन है। सेकेंड है कि आपको उल्टी जैसी शिकायत रहेगी कि उल्टी लग रही है, लेकिन लगती नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि उल्टी लग भी जाती है।
थर्ड है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत रहेगी। फोर्थ है फीवर, फीवर जैसे सिम्टम्स आएंगे, हाथ पैर में भी दर्द रहने लगता है, चिड़चिड़ापन आता है। और यदि इसके बाद में यदि इसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है या बिलरुबिन ज़्यादा बढ़ गया है तो उसमें पीलिए जैसे लक्षण आ जाते हैं, जोंडिस जैसे लक्षण आ जाते हैं, आंखें पीली हो जाती है, नाखून पीले हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ ही लक्षण है जिससे आप पहचान सकते हो कि आपको गोल ब्लेडर में स्टोन है या नहीं है। बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की। देखो यदि आप गोल ब्लेडर स्टोन को यदि आप समय पर ट्रीटमेंट नहीं करते हो तो इसके बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है, इसको बाद में जाकर जोंडिस बन जाएगा। और जोंडिस में क्या होता है कि आपकी जो बिलिरुबिन इतना बढ़ जाएगा वो अनकंट्रोल हो जाता है, तो और फीवर आने लग जाता है, हाथ पैर में दर्द रहने लग जाता है। और बहुत पर चांसेस ये भी देखा गया है कि जो गोल ब्लेडर में स्टोन है वो फट जाता है गोल ब्लेडर, यदि इसका कॉम्प्लिकेशन में यदि आप समय पर ट्रीटमेंट नहीं लेते तो आप इसको समय पर ट्रीटमेंट लीजिए, ठीक है, जितना भी जल्दी हो सके इस बीमारी से आप निजात पाए। अब बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की। इसमें मैं आपको कुछ 5 होम्योपैथिक मेडिसिन का एक थेरापेटिक निकाल के लाया हूँ, और यदि आप लोगे ना 100% तो मैं नहीं कह सकता लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। 1 महीना आप यूज़ तो करके देखो, और ज़्यादा महंगी भी नहीं, 400-500 रुपये में समथिंग ये आ जाएगी, मुझे लग रहा है इतना भी नहीं लगेगा। तो इसमें जो पहली मेडिसिन आती है चाइना, चाइना आपको 200 में लेनी है। सेकेंड मेडिसिन आती है आपकी लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम भी आपको 200 में लेनी है। तो चाइना और लाइकोपोडियम आपको 200 में लेनी है और इसकी 2-2 बूंद सीधा जीभ पर डालनी है। थर्ड मेडिसिन आती है कोलेस्ट्रिनम 3x, ये 3x में आएगी, आप नोट कर लेना, इसकी आप 4-4 गोली दिन में 3 बार लेनी है। फोर्थ मेडिसिन आएगी बर्बेरिस वल्गेरिस, ये आपको मदर टिंचर में लेनी है। और फिफ्थ मेडिसिन आएगी चियोनेंथस, चियोनेंथस भी आपको मदर टिंचर में लेनी है। और आपको इसको कैसे यूज करना है, आधा कप पानी लेना है और 10-15 बूंद डालकर दिन में 3 बार लेना है। 5 मेडिसिन मैं आपको बता दिए हैं, तरीका बता दूं। और यदि बात कोई समझ में नहीं आ रही है, हो सकता है कि आप मैं जो बता रहा हूँ समझ में नहीं आता है, तो आप जो मेरा नंबर है आप उस पर मैसेज टाइप करिए और मुझे भेज दीजिए, और जो भी आपको रिपोर्ट है वो भी भेज दीजिए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूं, क्योंकि जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, कहीं ना कहीं एक ही मेरा नियम है, एक ही मेरा इंटेंशन है कि आपको हेल्थी रखा जाए, आपके पैसे से कोई खिलवाड़ ना हो, आपकी हेल्थ से कोई खिलवाड़ ना हो, और आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। होम्योपैथिक अच्छा ट्रीटमेंट है, सस्ता ट्रीटमेंट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप ये ट्रीटमेंट लो। और कोई बात है तो आप मुझे बताओ ना, जो भी आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके माइंड में, आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे रखा है, कोई डॉक्टर नहीं देता, ना कोई अपने पेटेंट आपको बताएगा कि वो क्या दे रहा है, मैं आपको खुलेआम बता रहा हूँ कि ये पेटेंट है, ये यूज करो, ये मेरा नंबर है, कोई क्वेश्चन है तो बात करो, ठीक है। वैसे मुझे अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, और मैं जो मेडिसिन बता रहा हूँ उसका भी अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। जल्दी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जो मेरे पेशेंट है जिनका मैंने मेडिसिन बताई है उनका वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा जल्दी। तो आप ये मेडिसिन लीजिए और अपने आप को इन बीमारी से निजात पाए। और यदि आपको लगती है कि आप कोई और बीमारी है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए उस बीमारी के बारे में, और उसी बीमारी के अकॉर्डिंग में आपको मेडिसिन आप बता दूंगा। तब भी कोई चार्ज नहीं रहूँ मैं बताने का, कभी भी आज तक किसी से भी चार्ज नहीं लिया कोई भी मेडिसिन बताने का, ठीक है, कभी भी आप मुझे पूछ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ जो मैं बताता हूँ इसको प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, यदि आप इसको शेयर करेंगे, यदि आपके घर में किसी रिश्तेदारी में बीमारी है तो वो मेडिसिन लेगा तो कहीं ना कहीं आपको भी अच्छा मिलेगा रेस्पॉन्स, और मुझे तो मिलेगा ही, मैं काम कर रहा हूँ। तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और बिल्कुल टेंशन फ्री जिंदगी जिए, क्योंकि दवाई बताने के लिए तो मैं बैठा हूँ ना, आप किस बात की टेंशन है, कोई बीमारी हो मुझे बताइए, बीमारी मैं आपकी दूर करूँगा। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।